न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात विंध की करते हैं, जहां एमपी की पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज होने जा रही है और इस कॉन्क्लेव में वाइब्रेंट विंध बायर सेलर मीट का आयोजन होगा। 10 राज्यों के 2500 से ज्यादा उद्यमी इस कॉन्क्लेव में आज हिस्सा लेने वाले हैं। समान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करना इसका लक्ष्य है, तो प्रदेश अब औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को इस कॉन्क्लेव से नई दिशा देने की तैयारी है। बायर सेलर मीट में व्यापारिक साझेदारियों की चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें कि अब विंध्य को एक नई दिशा देने की तैयारी, विंध्य को उड़ान भरने की तैयारी में है विंध्य, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अब विंध्य में आज होने जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार हमारे अपने मध्यप्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक, सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली। तो बता दें आपको कि पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज होने जा रही है। इसके पहले मालवा निमाड़ उज्जैन में कॉन्क्लेव हुई, ग्वालियर चंबल में कॉन्क्लेव हो चुकी है, इसके साथ ही महाकौशल में भी कॉन्क्लेव हुई। तो पूरे मध्य प्रदेश में निवेश की तैयारियां की जा रही है और जितने भी कॉन्क्लेव अभी तक एमपी में हुए हैं मोहन सरकार के नेतृत्व में, अब बड़ी संख्या में निवेश एमपी में आ रहा है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही है, युवाओं को रोजगार मिले, पलायन रुक सके और मध्य प्रदेश का युवा यहीं रहकर रोजगार हासिल कर सके, ये प्रयास प्रदेश सरकार का है। खबर इंदौर से, पीतमपुर की 5 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली इसका भूमि पूजन करेंगे। रीवा में चल रहे आरआईसी से वर्चुअली भूमि पूजन किया जाएगा। लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए यूनिट लगाई जाएगी, तो पिनेकल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ईवी बस बनाने के लिए यूनिट, 1600 करोड़ का निवेश, 500 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और हमारे साथ और भी ज्यादा बातचीत के लिए पीयूष पारे इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, बहुत बड़ा मौका मध्य प्रदेश के लिए भी और इसके साथ ही इंदौर के लिए भी, क्योंकि 5 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का आज भूमि पूजन किया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की तैयारी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज रीवा में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और उसी के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के नजदीक पीथमपुर औद्योगिक सेक्टर को बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर 5 अलग अलग जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूनिट्स का जो है शुभारंभ होगा, भूमि पूजन होगा और इस भूमि पूजन के बाद में आने वाले दिनों 5 बड़े यूनिट्स भी लगाए जाएंगे। सीधे 1000 से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार देने की कोशिश है इन 5 यूनिट्स के जरिए। और इसमें जो है वो अलग अलग यूनिट, अगर ईवी बस की बात करें या इसके अलावा हम लोग बात करें मेटल इंडस्ट्री की बात करें, ब्लॉक की बात करें, ऐसी तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज तो लगने जा रही है। हालांकि इसमें जो अगर हम लोग बात करें तो लंबे समय से इसे लेकर जो है वो कवायदें चल रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली रीवा से जुड़ेंगे और इन्हीं 5 अलग अलग सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं इनका जो है वो यहाँ पर भूमि पूजन करने जाएंगे। और इसके लिए अगर बात करें एमपीआईडीसी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली है। जी जय, शुक्रिया आपका पीयूष जानकारी साझा करने के लिए। और